देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं वैसे मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट है वो श्रीवास्तव क्लासेस के मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस का यहाँ पे हम लोग सेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। हम लोग ये सीखे थे ऐसे केस में आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, आइदर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग फर्स्ट कॉलम को थोड़ा सॉल्व कर लें कि सी वन चेंजेस टू, आप कर सकते हैं इसमें सी वन माइनस सी टू। तो जैसे सी वन माइनस सी टू आप करेंगे क्या होगा, ए प्लस एक्स माइनस ए हो जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस ए, सिमिलरली ए माइनस एक्स माइनस ए। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम में ए और थर्ड कॉलम में एक्स एक्स और माइनस एक्स, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि जीरो के इक्वल है। यहाँ से एज का कैंसिलेशन हो जाएगा, सारा ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो अपने पास डिटरमिनेंट आएगा एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, उसके बाद ए और ए, फाइनली एक्स एक्स और माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हम लोग ये सीखे थे कि किसी कॉलम या रो में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन एक्स फ्रॉम फर्स्ट कॉलम एंड एक्स फ्रॉम थर्ड कॉलम, तो बाहर क्या निकला एक्स स्क्वायर, अंदर बच गया वन माइनस वन वन, ए और ए, आप चाहे तो ए को भी कॉमन ले सकते हैं। फिर उसके बाद वन वन और माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको इवेल्युएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर टाइम्स, जब आप डिटर्मिनाट सॉल्व करेंगे ये वन टाइम, हम लोग ये सीखे थे ना कि मल्टीप्लीकेशन जब होता है डिटर्मिनाट के लिए तो ये डायरेक्शन होता है प्लस में और ये वाला डायरेक्शन होता है माइनस में, तो बस उसी चीज़ को फॉलो करते हुए लिखा जा सकता है वन टाइम माइनस ए माइनस ए, फिर माइनस ए टाइम्स ये प्रोवाइड करेगा वन माइनस वन, और प्लस वन टाइम ये प्रोवाइड करेगा माइनस ए और माइनस ए। ये पूरा क्वांटिटी जीरो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। आगे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसके साथ अंदर वाला जो नंबर होगा इट इज माइनस टू ए और माइनस टू ए इक्वल टू जीरो, मीन्स माइनस फोर ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, हम लोग से पूछा था एक्स क्या होगा, तो फाइनली यहाँ पे कहा जा सकता है एक्स जो होगा वो जीरो होगा, ये अपना आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर अब थ्री है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला गया एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू एक्स प्लस आई वाई है, ऑब्वियस सी बात है इमेजिनरी पार्ट्स कंटेन कर रहा है और डिटर्मिनेंट कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। जैसे आप डायरेक्ट इवेल्युएशन करिएंगे तो सिक्स आई टाइम्स ये मिलेगा थ्री आई स्क्वायर प्लस थ्री, प्लस थ्री आई टाइम्स ये आ जाएगा फोर आई प्लस ट्वेंटी, फिर प्लस वन टाइम ये मिलेगा हम लोग को ट्वेल्व माइनस सिक्सटी आयोटा, और ये पूरा पार्ट एक्स प्लस आई वाई के इक्वल है। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करते चलेंगे आपको पता चलेगा कि आई स्क्वायर जो होता है, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे, कितना होता है माइनस वन। तो ये माइनस वन जब आप पुट करेंगे तो ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है ये तो जीरो हो जाएगा, इग्नोर। उसके बाद बच गया थ्री आई इंटू फोर आई मीन्स ट्वेल्व आई स्क्वायर प्लस सिक्सटी आयोटा, और उसके बाद वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल तरीके से ये ट्वेल्व और माइनस सिक्सटी आयोटा, ये पूरा पार्ट एक्स प्लस आई वाई होगा। देखिए ये जो प्लस ट्वेल्व है और आई स्क्वायर के कारण, आई स्क्वायर के कारण वो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला पार्ट कट गया, प्लस सिक्सटी आयोटा माइनस सिक्सटी आयोटा कैंसिल, यानी एक्स प्लस आई वाई जो है वो किसके इक्वल, जीरो। मीन्स एक्स का वैल्यू भी जीरो और वाई का वैल्यू भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा मुश्किल था नहीं डायरेक्टली इसको सॉल्व करना हम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला टू नॉन जीरो डिस्टिंक्ट नंबर्स ए बी आर यूज्ड एज एलिमेंट्स टू मेक द डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। हम लोग का एक डिटर्मिनेंट होना चाहिए और उसका ऑर्डर क्या होगा, थ्री क्रॉस थ्री, यानी कि नाइन एलिमेंट्स होगा टोटल। ऐसे द नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट हुज वैल्यू इज जीरो, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो फॉर ऑल ए बी इज, कितना होगा। अच्छा इसमें देखिए अगर कभी डिटरमिनेंट जीरो होता है तो कंडीशन ये होता है कि कम से कम कोई दो रो यानी टू रो
और कॉलम, एनी टू और कॉलम मस्ट बी सेम या आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है, सेम या आइडेंटिकल होना चाहिए। तो वैसे केस में आप टारगेट कर लें या तो रो को या फिर कॉलम को। मान लीजिए जैसे फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो का तीन प्लेस होगा, एक A11 होगा, एक A12 होगा, एक A13 होगा। इसमें हम लोग क्या किए ना कि 1-1 प्लेस को ए और बी यानी टू वे से फिलअप किए, 1-2 प्लेस को भी हम लोग ए या बी टू वे से फिलअप करेंगे, 1-3 वेस को भी हम लोग ए या बी टू वे से फिलअप करेंगे। कहने का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो को फिल करने का तरीका 2 × 2 × 2, ठीक है, यानी 8 वेज आएगा फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट रो के। फिर उसके बाद सेकेंड रो, मान लीजिए हम इसी को आइडेंटिकल करना चाहते हैं, तो इसमें आएगा कौन, 1-2 आएगा, सॉरी 2-1 आएगा, फिर उसके बाद 2-2 आएगा और 2-3 आएगा। तो इस 2-1 प्लेस को हम लोग ए और बी किसी से भी फिलअप कर सकते हैं, फिर इस 2-2 प्लेस को ए और बी किसी से भी फिलअप कर सकते हैं, 2-3 वेज को भी ए और बी किसी से भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से मेरे पास कितना आ गया, 2, 2 और 2, नंबर ऑफ वेज यानी 8 वेज। अब सोचिए अगर हम लोग R3 पे जाए, तो हम ये स्टेटमेंट ले रहे हैं, इट मस्ट बी आइडेंटिकल, इट मस्ट बी आइडेंटिकल टू R1। अब क्या होगा ना कि अगर मेरा R3 R1 के साथ आइडेंटिकल हो जाएगा, तो वैसे केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो हम लोग इसको अपने वे से फिलअप नहीं कर सकते, जैसे R1 में फिलअप हुआ है बस उसी को हम लोग को पुट करना है, तो इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ वेज नहीं ले सकते हैं। तो ये कितने वे से होगा, 1 वे से होगा, एग्जैक्टली लाइक किसके जैसा, R1 के जैसा, ठीक है। मीन्स R1 और R3 को हम लोग आइडेंटिकल रखना चाहते हैं, तो जो R1 में फिलअप किए हैं वही R3 में फिलअप करना होगा। तो R3 के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, केवल R1 के लिए होगा। तो R1 के लिए नंबर ऑफ वेज कितना, 8, और R2 के लिए, वो तो R2 तो इंडिपेंडेंट है ना, वहां कुछ भी डाल दीजिए, अगर R1 R3 बराबर हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, R2 में चाहे कुछ भी रहे, तो उसके लिए भी हमको 8 वेज मिल रहा है। मगर सोच के देखिएगा, अगर बाय द वे हम लोग R1 में जो पुट किए वही हम लोग R2 में अगर पुट कर देते हैं, तो वैसे केस में हम लोगों के पास क्या होगा, आइडेंटिकल डिटरमिनेंट्स मिलेगा, बहुत सारा आइडेंटिकल डिटरमिनेंट्स मिलेगा। तो उस आइडेंटिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट प्लेस को 2 वेज, सेकेंड प्लेस को 2 वेज और थर्ड प्लेस को फिक्स कर देंगे, ठीक है। ए रखा यहाँ पे, ए भी कुछ भी रख दिए यहाँ पे, ए भी कुछ भी रख दिए यहाँ, बी रखे यहाँ, ए भी कुछ भी रख दिए यहाँ, ए भी कुछ भी रख दिए, समझे। मीन्स रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो इस कारण से सेकेंड वाले रो को हम लोग फिलअप करेंगे जो इंडिपेंडेंट रो था बाई 4 वेज, और फर्स्ट रो जो है उसके लिए 8 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कहिए क्योंकि इसमें लग तो रहा है वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, या नंबर ऑफ डिटरमिनेंट कहिए, दैट इज इक्वल्स टू ऊपर का 8 और सेकेंड रो के लिए 4 ऑप्शन, दैट इज इक्वल्स टू कितना, 32 वेज। इसमें आपको कंफ्यूजन R2 को लेके हो सकता है कि सर R2 को आप 8 वे से क्यों फिलअप नहीं किए, इस कारण से क्योंकि होगा क्या, अगर हर जगह पे सेम सेम नंबर 2 बार आ जाएगा तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, तो रिपीट करेगा, इस कारण से इसको हम लोग कम कर देंगे, इसको हम लोग कम कर देंगे। जैसे ए ए ए ले लिए, ए ए ए है, फिर ए ए ए है, यह आया, फिर उसके बाद दूसरी बार में फिर पता चलेगा कि हम लोग के पास ए ए ए है, यहाँ पे बी बी और बी है, और यहाँ ए ए ए है, तो ये भी तो 0 ही होगा, समझे। तो इसी कारण से, और ये भी 0 होगा, इसी कारण से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 यूनिट काउंट कर लेंगे, और 1 यूनिट काउंट करके यहाँ पे जो थर्ड प्लेस है ना, ये जो 2-3 प्लेस है, इस जगह पे हम लोग फिक्स करेंगे 1 नंबर, वहां पे हम लोग 2 नंबर का ऑप्शन नहीं रखेंगे, 1 नंबर फिक्स करेंगे। तो अपने पास नंबर ऑफ वेज कितना आ गया, 32 वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला, इफ द डिटरमिनेंट इज, सबका सब साइन कॉस इसमें दिया हुआ है, एक्सपेंडेड इन द पावर ऑफ साइन एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ ना कि जैसे cos 2x को आप लिख सकते हैं 1 - 2 sin² x,
एग्जैक्टली वैसे ही आप कॉस 4x को क्या लिख सकते हैं कि ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, और बाद में ये जो कॉस 2x है इसके प्लेस पे आपको पुट करना पड़ेगा 2 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल पावर 2 माइनस 1। तो क्वेश्चन वाला यही कह रहा है कि अगर इस डिटरमिनेंट को हम लोग पावर ऑफ साइन एक्स में एक्सपेंड करें, मतलब कि कॉस का टर्म आएगा तो उसको भी साइन में चेंज करना, और साइन तो साइन में रहेगा ही, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हम लोग यूज कर सकते हैं, मगर देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आप अगर किसी भी प्लेस पे देखें ना, जैसे ही किसी भी प्लेस मीन्स थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे ये कॉस 2x है, ये भी प्रोवाइड कर रहा है तो साइन का पावर 2 यानी इवन दे रहा है। कॉस 4x है, ये भी प्रोवाइड कर रहा है तो साइन का पावर 2 यानी इवन दे रहा है। कहने का मतलब जब कभी भी साइन का पावर आएगा तो वो क्या रहेगा? इवन पावर रहेगा। अगर इवन पावर रहेगा तो वैसे केस में कांस्टेंट के कैलकुलेशन के लिए आप इस इवन को अपने मिनिमम पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सिंस मेंशन कर रहे हैं, कॉस दे रहे हैं, सिंस ईच टर्म एक्सपेंशन में ईच टर्म कंटेन इवन पावर ऑफ साइन एक्स, इवन पावर ऑफ साइन एक्स ये कंटेन कर रहा है, तो वैसे केस में देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, वो चीज भी बताया जाएगा अभी। मतलब कि अगर मेरे पास हर एक टर्म साइन का पावर इवन कंटेन कर रहा है, जैसे लिखा है क्या 2 sin² x - 1, तो अगर हम लोग इसका मिनिमम निकालना चाहेंगे तो उस समय इसको अपना वैल्यू सबसे कम देना पड़ेगा, ठीक है, सबसे कम। और साइन स्क्वायर का सबसे कम वैल्यू क्या होगा? 0। उस समय आपको साइन एक्स को क्या लेके चलना पड़ेगा? 0, समझे। कारण है कि पावर 2 है ना, तो वो नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता है, तो पॉजिटिव अगर रहेगा तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। जब आप 0 रखेंगे तो देखिए एक्स का टर्म वैनिश हो जाएगा, और केवल कौन बचेगा? कॉन्स्टेंट। अब वापस क्वेश्चन में आइए, देखिए क्वेश्चन में बोला द कॉन्स्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन, हमको कॉन्स्टेंट चाहिए। तो यहां पे आप थोड़ा समझे इस बात को, फॉर कैलकुलेटिंग कॉन्स्टेंट, ये चीज अलग कर दे थोड़ा, कॉन्स्टेंट पुट हमको क्या करना होगा? एक्स के जगह पे 0, या कहे तो आप पुट कर सकते हैं साइन एक्स के जगह पे 0, एक ही बात, ठीक है। तो यहां पे कोई क्रॉस क्वेश्चन अगर बन रहा है कि सर क्यों आप साइन एक्स को 0 ले लिए या एक्स को 0 ले लिए, तो उसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन यहाँ राइट साइड में अभी अभी आपको दिया है। क्योंकि हर एक टर्म में साइन का पावर इवन हो रहा है, इस कारण से अगर हम एक्स को एलिमिनेट करें तो एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो केवल हमको क्या मिलेगा? कॉन्स्टेंट। उस समय हम लोगों को एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना होगा? 0, ठीक है। तो वो हम लोगों को क्या देगा? मिनिमम वैल्यू। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जब एक्स के जगह 0 पुट करेंगे तो जो डिटरमिनेंट है वो cos 0 1, फिर sin 0 0, cos 0 1, फिर sin 0 0, cos 0 1 है, cos 0 1 है, cos 0 1 1 और 1। हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए सिंपल फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग 1 - 1, फिर 0 के लिए छोड़ दीजिए, प्लस 1 टाइम ये आएगा कितना? 0 - 1, यानी फाइनली मेरे पास -1 आया। तो -1 जो होगा वो इसके लिए कांस्टेंट टर्म क्या काम करेगा। आप ये काम कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी, मगर वो काफी लंबा था, जैसा आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कि कॉस 2x के प्लेस पे आप पुट कर देंगे 1 - 2 sin² x, और कॉस 4x के प्लेस पे आप पुट कर देंगे ये टर्म 2 टाइम 1 - 2 sin² x² - 1। मगर क्योंकि वो बहुत लंबा होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, बनेगा जरूर मगर टाइम टेकिंग होगा, तो वैसे केस में शॉर्टकट करने के लिए एक ट्रिक ये कहता है कि आपको केवल अगर कांस्टेंट फिगर चाहिए तो आप एक्स के जगह पे 0 पुट कर दीजिए। ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं, और ये इस जगह पे भी डिटरमिनेंट में,
कभी भी आपको केवल कांस्टेंट निकालना है तो एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब 9 में ये बोला गया हम लोग के पास, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन उसी का पार्ट है। तीन इक्वेशन दिया है, इज सॉल्वेबल इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू, देखिए तीन इक्वेशन दिया है मगर क्या आपको तीन वेरिएबल भी दिया है? नहीं। अगर इक्वल टू के दूसरे साइड में कांस्टेंट फिगर होता है हम लोग उसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस, ठीक है। आपको क्या करना होगा ना कि इस क्वेश्चन को पूरा होमोजीनियस बनाना होगा। सर कैसे? मेरे पास तो जेड दिया नहीं है तो फिर हम इसको होमोजीनियस कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे एक मल्टीप्लायर के है इज इक्वल्स टू जीरो, जस्ट अज्यूम करना है, ठीक है। ये अज्यूम करना है कि यहाँ मल्टीप्लायर के है। आपको याद आएगा क्लास में बताया गया था जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते हैं उस समय हम लोग मान के चलते हैं लेट जेड इज इक्वल्स टू के, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका मतलब के का आना, के मीन्स कौन? कांस्टेंट फिगर, मीन्स वहां कभी ना कभी तो वेरिएबल रहा होगा। बस इसी चीज को अपियर करके जब तक आप तीन वेरिएबल में इसको डिनोट नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं होगा, क्योंकि आप इस जगह पे फंसे रहेंगे कि मेरे पास तीन इक्वेशन है मगर वेरिएबल तो दो ही, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि टेकिंग कॉन्स्टेंट्स, ये सब इन सारे क्वेश्चन का ना ट्रिक होता है, ठीक है। टेकिंग कॉन्स्टेंट्स एज कोफिशियंट ऑफ जेड, दैट मीन्स एज द कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो वैसे केस में आपका इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8। आपको z या k लिखने का जरूरत नहीं है, बस वो आपके समझने के लिए था कि इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाएं कि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे लैम्डा इस प्लेस पे, एक मिनट, वो लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए जब आप इस तरीके से देखिएगा ना तो ये होमोजीनियस है नहीं, बट इट इज लाइक होमोजीनियस, ये होमोजीनियस सिस्टम की तरह है, इट इज नॉट एग्जैक्टली होमोजीनियस। तो अगर होमोजीनियस सिस्टम की तरह है तो हम लोग ये जानते हैं अगर कभी भी ये सॉल्वेबल होगा तो वैसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला चीज सोचिएगा, सिंस इक्वेशंस आर सॉल्वेबल, अगर ये सॉल्वेबल होगा इसका मतलब ये हुआ कि जो डिटरमिनेंट होगा किसका, 2, 3, -8, 7, -5, 3, 4, -6 लैम्डा, इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा। इसमें कोई कोई ये सोच रहा होगा, किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर जब आप पढ़ा रहे थे तो आप क्या बोले थे कि देखो जो कांस्टेंट फिगर है ना इसको राइट शिफ्ट करना उसके बाद ही डिटरमिनेंट में लेना है ना, मगर यहाँ पे तो सर आप सबको लेफ्ट शिफ्ट करके यहाँ डिटरमिनेंट में ले रहे हैं, 8 को आप -8 बना दिए, +3 ले लिए, +λ ले लिए। तो देखिए उस समय बात किस चीज का होता था कि ये एग्जैक्टली कांस्टेंट था और आपके पास जेड भी प्रेजेंट था, तो आप चार वेरिएबल तो ला नहीं सकते हैं, जब तीन दिया है तो चौथा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मगर यहाँ पे क्योंकि आप 8 को वेरिएबल का कोफिशिएंट बना रहे हैं और वेरिएबल्स हमेशा इक्वल टू के लेफ्ट साइड रहता है, इस चीज को ध्यान में रख के इसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद डिटरमिनेंट लेंगे, उसके बाद सॉल्व किया जाए तो आएगा क्या, 2 times इट इज -5λ + 18, -3 times ये हो जाएगा 7λ - 12, -8 times ये आएगा -42 + 20, और ये पूरा क्वांटिटी 0 के इक्वल। कहने का मतलब -10λ, कांस्टेंट फिगर रखिए, -21λ, ये दोनों एक साथ कांस्टेंट में आ गया, फर्स्ट टर्म का 36, सेकंड का फिर 36, और थर्ड वाले में ये कितना हो रहा है, -22 × 8, तो 22 × 8 = 176, तो कितना आ गया, प्लस का 176 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -31λ इज इक्वल्स टू नेगेटिव में 6, 3 times 18 वन, फिर 7, 3 times 10 = 14 वन, ये 248, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 248/31 कितने टाइम में जाएगा, 8 times में कैंसिल होगा,
मीन्स लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। देख लीजिए जो ऑप्शन है वो अपना टिक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या करना है? तो थ्योरी अपनी जगह पे है मगर क्वेश्चन प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन अपना एक कॉन्सेप्ट रखता है, अपना एक ट्रिक रखता है, उसको जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जेड, जेड मीन्स वही कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिटरमिनेंट दिया है, देन बोथ रियल जेड, ये चार ऑप्शन है। तो मेरा क्या बोलना है कि पहले हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन उसको सूट करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करना होता है, वो सॉल्व करना होता है मल्टीपल करेक्ट में। यहाँ पे आपका सिंगल करेक्ट है, आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, आप देख ले उसमें से कि क्या आपका रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि डिटरमिनेंट में आपको रिजल्ट नहीं पता चलेगा। बाद में आप उसको सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों के पास जैसा दिख रहा है उस हिसाब से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो 2 प्लस थोड़ा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, अब डिटरमिनेंट है तो ये तो जाता ही है, मल्टीप्लाई कर रहा है 12 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 10 आयोटा और प्लस 15 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस 2 माइनस 3 आयोटा टाइम्स, मल्टीप्लीकेशन होगा 8 आई से 4 माइनस आयोटा, तो 32 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर, और फिर प्लस 10 आयोटा और माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, दो टर्म हो गया। लास्टली अपने पास है प्लस में 4 प्लस आयोटा, इसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सा प्लेस है ये, 13 प्लेस, उसके लिए सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो 16 आयोटा प्लस 24 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया, और फिर माइनस 3 तो माइनस 6 आयोटा और प्लस 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, आप एक बार जरूर अच्छे से चेक कर लें। बाय द वे अगर मेरा कहीं मिस्टेक हो गया है आप उसको ठीक कर लीजिएगा। हाँ, ये दोनों आपस में सॉल्वेबल होगा, हम लोग को पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1, तो ये हो गया प्लस 3 और ये हो गया माइनस 15, तो माइनस 12 और 10 प्लस 22 आयोटा, उसके बाद माइनस 2 माइनस 3 आयोटा टाइम्स, फिर से 8 आयोटा स्क्वायर है तो प्लस 8 और 25 आयोटा स्क्वायर है तो प्लस 25, 8 प्लस 25 कितना 33, 33 और 10 प्लस 32 42 आयोटा, नंबर्स भी बहुत बड़ा बड़ा रहा। उसके बाद प्लस 4 प्लस आयोटा, ये ऐसा, और इस जगह पे 24 आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस 24 और माइनस 25 इट इज माइनस 39 और 16 माइनस 6 मीन्स 10 आयोटा। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, वाकई में ये काफ़ी बड़ा है, मल्टीप्लाई अब करना तो है, कर लेते हैं। तो कितना आएगा, माइनस 12 प्लस 44, इसका एक अल्टरनेटिव प्रोसेस भी है मेरे पास, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को, प्लस 44 आयोटा, फिर माइनस 60 आयोटा प्लस 22 फाइव टाइम में 110 आयोटा स्क्वायर, बस यही सॉल्व करना है और क्या, मल्टीप्लाई करते चलेंगे आराम से बैठ के, और फिर माइनस 84 आयोटा प्लस 3 तो प्लस 99 आयोटा, और 3 इंटू 42 कितना हो जाएगा 612 प्लस का 126 आयोटा स्क्वायर, लास्ट टर्म में प्लस 4 इंटू 39 तो 160 में से 4 चला गया 56 ना, माइनस 156, एक्चुअली इट इज माइनस 156 माइनस 156 ये आ गया, और 10 इंटू 4 40 आयोटा, उसके बाद I से मल्टीप्लाई तो माइनस 39 आयोटा और प्लस का 10 आयोटा स्क्वायर। चलिए सॉल्व करें, जेड इज इक्वल्स टू, देखते चलेंगे हम, सबसे पहले ना कॉन्स्टेंट्स फिगर, ठीक है कॉन्स्टेंट्स, तो कॉन्स्टेंट कौन कौन है थोड़ा हाईलाइट किया जाए, माइनस 12, फिर
यहां से -110 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो -12, -110, -122, -122 और -66, -188, -188 और -126, ठीक है। नंबर्स -188 और -126, तो ये कितना हो गया, 14। और 14 8 to 10 11, ये 314 हो गया। और इसमें भी माइनस है अभी 156, तो ये आ जाएगा 0। 5 1 6 1 7 और यहाँ 3 1 4, 470 अभी तक हो गया है। 470 -10 तो -480 आएगा, ये -480 आएगा। अब मार्कर से भी कभी कभार लिख लिया जाता है, और क्या हाइलाइटर से भी लिख लिया जाता है जरूरत पड़े तो, -480, ठीक है। ये इस जगह पे दिक्कत कर रहा है ना, -480, ठीक। उसके बाद अब हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोगों को देखना है, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लो। हाँ, अब हम लोग को देखना है आयोटा का टर्म। तो ये 44 -60, तो -16, -16, -16 और -84, ये हो गया कितना, 100 आयोटा। 100 आयोटा माइनस में और +99, तो माइनस आयोटा बचा है, माइनस आयोटा और -39 आयोटा, -40 आयोटा और +40 आयोटा, 0। यानी आयोटा का टर्म तो अपने पास बचेगा ही नहीं, खत्म हो गया वो पूरा। आयोटा अपने पास कितना आ गया, 0 आयोटा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल, क्योंकि आयोटा का टर्म 0 आया ना, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ, अभी हम अल्टरनेटिव बोल रहे थे, अल्टरनेटिव है, थोड़ा ट्रिक है, समझिएगा, ठीक है। देखिए उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर चेंज, हम लोग के पास जेड दिया ना, तो एक चांस लेना पड़ता है जेड का बार। जेड बार जब आप निकालेंगे तो 2 -5 आयोटा, फिर 2 + 3 आयोटा, और लास्टली अपने पास 4 - आयोटा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और -8 आयोटा, फिर -3 आयोटा और +5 आयोटा, उसके बाद 2 + 5 आयोटा, फिर 2 - 3 आयोटा और 4 - आयोटा, ये आ गया। अगर आप जेड के साथ जेड बार को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा कि दोनों डिटरमिनेंट आपस में ऐड हो रहा है। तो अगर रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऐड होके 0 हो गया, तो इसका मतलब जेड जो है वो नेगेटिव जेड बार के इक्वल है। एक मिनट इसको एक बार कर ले। हाँ, ये डिटरमिनेंट है। हाँ, डिटरमिनेंट में एक्चुअली में जो दिखाना था, नंबर्स देखिएगा क्या हुआ, यहाँ पे 2 - 5 आयोटा, यहाँ गया 2 + 5 आयोटा। अगर आप इसको ठीक से चेक करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि Z1 का जो R1 था, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो Z बार का R3 बन गया, और जो Z का R3 था वो Z बार का R1 बन गया। यानी R1 R3 एक्सचेंज, यानी Z जो होगा दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, आप कह सकते हैं ये जेड बार, क्योंकि 1/3 में एक्सचेंज हो रहा है ना, तो नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं, तो जेड जो होगा वो जेड बार के बराबर। इसका मतलब जेड मेरे पास कैसा है, प्योरली रियल है, प्योरली रियल, समझे। तो ये कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट लगा के बाई द ट्रिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर बाई द वे ट्रिक नहीं आया उस समय, तो आप इस तरीके से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। बस क्या होता है ना कि कोई क्वेश्चन अगर ट्रिकी होता है और आप उसमें ट्रिक नहीं लगाते हैं, तो वो थोड़ा लेंदी जाता है, टाइम टेकन होता है, बनता तो है, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, आप पूरा साल 2 साल मेहनत किए हैं तो क्वेश्चन बनेगा, वो आपको आता है। मगर क्या होता है कि कभी कभार क्वेश्चन जल्दी बनता है बाय द ट्रिक, और अगर डायरेक्ट इवेलुएट कीजिएगा तो वो थोड़ा लंबा जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
13 का स्टेटमेंट है कि कोई एक फंक्शन है जो डिटरमिनेंट फॉर्म में है, देन F27 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंपल डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है और x की जगह 27 पुट करना है। दूसरा, आप डायरेक्ट उसके प्लेस पे 27 पुट करके डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो नंबर्स को थोड़ा सा, क्योंकि 27 दो डिजिट का नंबर है ना, ये बड़ा हो जाएगा, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको हल्का करने के लिए आप क्या कीजिए, कुछ प्रॉपर्टी लगा के डिटरमिनेंट को हल्का कर लीजिए। ठीक है, यूज प्रॉपर्टीज। यहाँ पे बस एक ही आपके लिए सजेशन है कि आप प्रॉपर्टी यूज करके डिटरमिनेंट को थोड़ा हल्का कर लें। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, आपका जो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम में से क्या आपको एक्स कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद और देखिए, थर्ड रो में से आपको एक्स माइनस वन कॉमन आता हुआ दिख रहा है, यहां से भी एक्स माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ना ढूंढ ढूंढ के बस कॉमन निकाल लेंगे। तो मेरे पास सेकंड कॉलम में से एक्स आया और जो थर्ड रो था उसमें से एक्स माइनस वन आया, फिर बाद में देखेंगे अगर कुछ आएगा तो लिख लिया जाएगा, 1 2x और यहां बच गया 3x, ये x, फिर ये 1 हो गया, x माइनस वन और यहाँ पे x माइनस टू ऑनली, यहाँ से x प्लस वन, फिर x इंटू एक्स प्लस वन और उसके बाद x इंटू एक्स प्लस वन। तो देखिए फिर मिल गया ना हम लोग को कि हम लोग का जो थर्ड कॉलम है, ठीक है, उस थर्ड कॉलम में हम लोगों को x प्लस वन कॉमन आता हुआ दिख रहा है, x प्लस वन, इसको कॉमन निकाल लेंगे थर्ड कॉलम से। मीन्स बाय द प्रॉपर्टी आप इसको जितना हल्का करना चाहें कर लीजिए, क्योंकि एक्सपेंशन कर देंगे डायरेक्ट तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। x प्लस वन थर्ड कॉलम में से कॉमन आने के बाद डिटरमिनेंट बचेगा 1 1 1, फिर 2x x माइनस वन एक्स, फिर 3x x माइनस टू एक्स। यहाँ पे आप जीरोज लाना चाहते हैं जीरोज ला सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट एक्सपेंड करना है कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंड किया जाए, आप और अभी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं चाहे तो, मगर अब थोड़ा हल्का हो गया है तो किया जा सकता है, ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, वन टाइम क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये हो गया, फिर माइनस वन टाइम हम लोग को मिलेगा 2x² माइनस 3x², ये हो गया, फिर प्लस वन टाइम हम लोगों को मिलेगा 2x² माइनस 4x और माइनस 3x² प्लस 3x, ये आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, सिंपल x बच गया, फिर इस प्लेस से 2x² माइनस 3x², तो ये माइनस लगा के प्लस का x², इस प्लेस से माइनस x² माइनस x, माइनस x² माइनस x, लीजिए ये तो खत्म हो गया पूरा, खत्म होना मतलब कि एफ एक्स आपके पास तो जीरो आ गया। ठीक है, एफ एक्स अगर आपके पास जीरो आ गया तो वैसे केस में आपका जो F27 होगा तो x है ही नहीं कि हम कहीं पुट करें, इस कारण से उसका वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास डिटरमिनेंट जो दिया गया है इसमें एक वेरिएबल है, कौन सा, k। जब भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहे है ना, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो नंबर है ये एक्चुअली में क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो डी के यानी के वेरिएबल है, और ऐसे केस में जब क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया समेशन, तो समेशन डिमांड करने का मतलब क्या हो गया कि समेशन वन हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, वन एन होता है, समेशन के अगर रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। देखिए जैसा क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को केवल और केवल इसी चीज का एप्लीकेशन करना है और हम लोग को स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि क्योंकि फर्स्ट कॉलम में अपने पास वेरिएबल्स हैं इस कारण से समेशन जो है वो सीधा फर्स्ट कॉलम पे अप्लाई होगा। तो लिखा जा सकता है कि समेशन डी के जो होगा इज इक्वल्स टू समेशन वन मीन्स एन, समेशन टू के मीन्स एन इंटू एन प्लस वन, समेशन टू के माइनस वन
यानी n इंटू एन प्लस वन माइनस वन का समेशन n हो जाएगा। बाकी सेकेंड कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं, वो जैसे है वैसे रहेगा, और थर्ड कॉलम में भी कोई डिफरेंस नहीं, वो जैसे है वैसे रहेगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि समेशन तो ऑलरेडी अप्लाइड है, अब इस डिटरमिनेंट को जहां तक हो सके हम लोगों को थोड़ा छोटा करना, फिर उसके बाद एक्सपैंड कर देना है, ठीक है। तो देखिए, अगर c1 को हम लोग चेंज करें ऐसे कि c1 माइनस c2, तो ये काफी हद तक सॉल्वेबल है, तो उस समय डिटरमिनेंट का वैल्यू n माइनस n हम लोगों को कितना मिल गया, जीरो। फिर एन स्क्वायर प्लस एन माइनस ये, तो माइनस टू, और फिर उसके बाद एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन एन स्क्वायर, ये जीरो। फिर है सेकेंड कॉलम में एन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू, सेकेंड कॉलम में तो कोई चेंज ही नहीं होगा ना। फिर ये एन है, एन स्क्वायर प्लस एन है, और एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम, यानी कि टू टाइम्स हम लोगों को मिलेगा एन से इसका मल्टीप्लीकेशन, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एन और माइनस एन क्यूब। तो एन क्यूब कैंसिल, और ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू समेशन डीके का है। कितना है, टू टाइम्स एन स्क्वायर प्लस टू एन, और देखिए क्वेश्चन में ये प्रोवाइडेड है कि ये 48 होगा, तो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 48, थोड़ा सॉल्व किए तो एन स्क्वायर प्लस टू एन इज इक्वल्स टू 24, यानी एन इंटू एन प्लस टू दैट इज इक्वल्स टू 24 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 6। सिंपल इक्वेट कीजिए, यहां से आपको n का वैल्यू क्या मिल गया, 4। ये अपना आंसर 4 जाया है जिस ऑप्शन में, वो आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि अपने पास fx इज इक्वल्स टू एक डिटरमिनेंट दिया, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू fx क्या होगा। एक्चुअली में इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, देखिए जब कभी भी आपको लोअर और अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम दिखे और साइन अपोजिट, तो एक प्रॉपर्टी आपको जरूर यूज करना चाहिए। मतलब ये होता है कि ऐसा अगर रहता है लिखा हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उस प्रॉपर्टी पे हम लोग सबसे पहले डील करते हैं, ठीक है। वो ये होता है कि दिस पार्ट इज इक्वल्स टू जीरो अगर आपका एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, और ये टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो से लिमिट तक होगा एफ एक्स डी एक्स अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इवन फंक्शन है। तो क्लास 11 में जब आप फंक्शन पढ़ रहे थे आपको बताया गया था, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा तो हम लोग फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा तो हम लोग इसको ऑड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि लिमिट जो है वो इंडिकेट करके दे रहा है कि ये इवन ऑड के तरीके से बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब जिस जिस प्लेसेस पे एक्स है वहां माइनस एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये फर्स्ट वाला बन जाएगा कितना, माइनस एक्स, सेकेंड वाला बन जाएगा माइनस साइन एक्स, थर्ड वाला हो जाएगा कितना माइनस टेन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, ये वन होता है, और यहाँ पे ई का एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, यहाँ पे ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा, और ये टू का टू ही रह जाएगा, ठीक है। ऐसा है तो इस जगह पे आप चाहें तो एक नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, एक्स साइन एक्स टेन एक्स, ठीक है, जहाँ जहाँ था। फिर उसके बाद कॉस एक्स एक्स स्क्वायर वन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, उसके बाद साइन एक्स टू, ये हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी डिक्लेयर हो गया कि फंक्शन एफ एक्स मेरा कैसा है, ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो वैसे केस में हम लोगों को लिखना होगा कि इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एफ एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, ठीक है। एक जगह पे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, दिखा रहे हैं, देखिए ये वाला, ये जो है ना ये नेगेटिव रख रहा है, मगर इसको नेगेटिव नहीं रखना चाहिए, इसका मतलब क्वेश्चन में शायद कोई मिसप्रिंट होगा,
यहाँ पे मे बी साइन स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है, साइन स्क्वायर, तब जाके ये साइन स्क्वायर एक्स होगा, तब जाके ये सही होगा, समझ गए। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे सेट ही होता है कि हाँ ये ट्रिक पे कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट बन जाएगा, ज़्यादा आपको लेंदी नहीं करना है, क्योंकि जहाँ भी अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री एक साथ आ गया वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कैसा है, किस तरीके से सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में एक मैट्रिक्स ए दिया, एक मैट्रिक्स बी दिया और दोनों कितना 3x3 का, सिंपल पूछा है ए प्लस बी। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर मैट्रिक्स ए ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का होता है और बी अगर बी आई जे है और एम क्रॉस एन ऑर्डर का होता है, तो जब ए प्लस बी कैलकुलेट करते हैं तो रिस्पेक्टिव प्लेस के एलिमेंट्स जो होंगे यानी ए आई जे और बी आई जे वो ऐड हो जाएंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए प्लस बी, एलिमेंट्स को ऐड करते चलेंगे 1+0 ऐसे 1 आ गया, -2 -2 -4 4 4 8, फिर उसके बाद ये वाला इसके साथ ऐड होगा 3 3 3 6 2 2 4 3 -1 2 1 1 2 5 5 10, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हल्का क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, देन ए प्लस बी स्क्यू, ए प्लस बी सिमेट्रिक, ए प्लस बी डायगोनल, ए प्लस बी जीरो। ये तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये स्क्यू होगा, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ना नेचर कभी चेंज नहीं करता है। फिर भी अगर हम लोग चेक करना चाहें तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक में एक कंडीशन ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक में कि जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर, जब स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ाया जा रहा था उस समय आपको ये बताया गया था मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ए प्लस बी का एक बार ट्रांसपोज करेंगे, जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये ए ट्रांसपोज और प्लस बी ट्रांसपोज ऐसे टूटेगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया ना कि ए कैसा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस ए, बी कैसा है स्क्यू सिमेट्रिक तो माइनस बी, यानी नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी आया। तो देखिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता है यानी कि जो मैट्रिक्स है ए प्लस बी दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। काफी हल्का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड कर, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो इसमें जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हम लोगों को 0 f g, ये प्रोवाइडेड। अच्छा इसको देख के ही तो पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग क्या पढ़े थे ए आई जे जो होगा वो नेगेटिव ए जे आई के इक्वल होगा, ठीक है, बस इसी चीज को अप्लाई कर देना है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है इस क्वेश्चन में एफ अल्फा एक मैट्रिक्स है, जी बीटा एक मैट्रिक्स है जो अल्फा और बीटा में डिफाइन है। हम लोग से पूछा ये, अच्छा ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे है ना, हम लोग इनवर्स के प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि ए बी का होल इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है, बस डायरेक्ट लगा देना है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें, ये डी ऑप्शन, ठीक है, डायरेक्टली कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया है बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू। हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि अगर डिटर्मिनेंट ए इंटू बी होता है तो अलग अलग आप डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हैं, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इंटू बी, तो आप इसमें अलग अलग कर दे डिटर्मिनेंट बी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स मिलता है, इस चीज को यूज करेंगे हम लोग यहाँ। तो लिखा जा सकता है 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये और ये कट गया, यानी फाइनली आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये बी वाला। चलिए नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 39 में, 39 में बोला है मैट्रिक्स ए है और ए स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा अल्फा ऐसा है, तो ए अल्फा बीटा इन सब में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे ना कोई ट्रिक नहीं, सिंपल तरीके से बी ए हम लोग सीखे हैं कि मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो क्या होगा कि ए बी और बी ए है, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है ए बी और बी ए से। तो पहली बार में ये जो फर्स्ट रो है वो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा ए बी प्लस बी ए मीन्स टू ए बी, ठीक है। उसके बाद बारी आएगा किसका, एक मिनट, हाँ इसके बाद बारी आएगा सेकंड रो का, सेकंड रो बाय द फर्स्ट कॉलम, तो ये हम लोग को क्या देगा ए बी प्लस बी ए, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। सारा प्लेसेस फिलअप कर दिए हम लोग। अब इसके बाद हम लोग को इसको इक्वेट करना है, किसके साथ इक्वेट करना है, क्वेश्चन बोला ना कि ए स्क्वायर जो है वो अल्फा बीटा बीटा अल्फा है, उससे इक्वेट करना है अल्फा बीटा बीटा अल्फा। तो कंक्लूजन क्या क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा और जो टू ए बी है वो बीटा के इक्वल होगा। देख कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, टू ए बी बीटा, यानी बी ऑप्शन सूट कर रहा है इसको, है ना। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा लेंदीनेस नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 जो है, क्वेश्चन में बोला इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। पहली बात सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कैसा, ये जो सिस्टम है ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस क्योंकि कॉन्स्टेंट फिगर सारा का सारा जीरो है। वैसे केस में अगर बोला नॉन जीरो सॉल्यूशन तो आप पढ़े होंगे एक होता है ट्राइबल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। तो यहाँ जो नॉन जीरो होमोजेनिटी में आएगा इसको हम लोग लेके चलेंगे नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। और जो नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन होता है इसमें डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू जीरो, बस ये कॉन्सेप्ट लगाना। तो जब हम लोग इसका मैट्रिक्स बनाएंगे ए बाय द कोफिशिएंट्स तो वो हो जाएगा 1 2 a, सेकेंड में से 1 3 b, थर्ड में से 1 4 c, इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। तो इसका डिटरमिनेंट हम लोग इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट 1 1 1 2 a 3 b 4 c, फिर a b और c, डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होगा। आप सिंपली एक्सपेंड कर दें, ठीक है, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो वन टाइम आप कह सकते हैं 3 bc माइनस 4 bc माइनस 2 a टाइम्स, माइनस 2 a टाइम्स ये आएगा c माइनस b और प्लस a टाइम्स आएगा तो ये 4 c माइनस 3 b एंड दिस पार्ट शुड बी जीरो। यहाँ से आ गया माइनस bc, उसके बाद माइनस 2 ac, फिर प्लस 2 ab, उसके बाद प्लस 4 ac माइनस 3 ab इज जीरो। चलिए सॉल्व किया जाए इसको और फर्दर, पहले ए बी देख लेते हैं, तो माइनस ए बी बचा, फिर उसके बाद बी सी माइनस बी सी आया, फिर ए सी तो देखिए प्लस 2 ac आ रहा है इक्वल्स टू जीरो। ए सी को छोड़ दिए हम लोग यहीं पे, बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी। अब उसके बाद देखना है क्या करना है कि ए बी सी, ए बी है, ए पी है, जी पी है, एच पी है, देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सबको एक काम करते ए बी सी से डिवाइड करते हैं, सबको डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग बाई ए बी सी। जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 by b, ये हो जाएगा कितना 1 by c और ये हो जाएगा 1 by a। तो ये कंडीशन किसके साथ होता है, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी जो होगा वो एच पी में होगा, एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। डायरेक्ट अपने पास ये 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, 43 में है कि एक मैट्रिक्स ए है और पूछा इसका नेचर कैसा होगा। तो ये तो हम लोग को देख के भी पता लग सकता है, ए इज जीरो मैट्रिक्स, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ये चेक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है।
तो ए स्क्वायर जब चेक करने जाएंगे तो 0 0 -1 इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन वाला कुछ बोला नहीं ना, इस कारण से हम लोगों को ऑप्शन से ही इसको चेक करना पड़ेगा। इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 0 -1 और 0, फिर कौन -1 0 और 0, ये ऊपर वाला जो है ना ये लिखा हुआ है 1 -1, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो इसका जो फर्स्ट रो है ये मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट कॉलम से, तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आएगा, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम 0, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई थर्ड कॉलम 0, फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अच्छा ये पूरा मिल गया पैटर्न, दैट इज इक्वल्स टू आई, यानी कि ये सेकेंड ऑप्शन सही हो गया, आगे आपको चेक ही नहीं करना, सिंगल करेक्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन तक ही रखेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन बच गया, जैसे आप देखें ना ऑड सभी डिस्कस हुआ है, इवेंट्स आपको खुद से बनाना है, सॉल्व कीजिए, अगर कुछ डाउट होता है आप क्लास में उसको लाके पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको कहाँ तक सॉल्व कर लेना चाहिए, 44 नंबर क्वेश्चन तक अपने स्टडी मॉड्यूल श्रीवास्तव क्लासेस के स्टडी मॉड्यूल में मैट्रिसेस चैप्टर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है,